देवरिया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में 679 करोड़ रुपए की 673 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किए। इस दौरान मंच से बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर दी गई। हमारी सरकार हर तबके के लिए विकास की योजना लाई है। पिपराइच एवं मुंडरेवा की चीनी मिल चालू कर दिया गया, देवरिया में भी बहुत जल्द ही होगा। योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर 5 सदी का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। उन्होंने जनता से सवाल किया कि प्रदेश में अगर सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या मंदिर बन पाता। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में जल्द ही महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू होगा। इस क्षेत्र के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन को पछाड़कर हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत शीघ्र ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आप कोई सोचता था, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो बहनों और भाइयों क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? ये लोग बना पाते क्या? कितने लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए? वाह भाई, देवरिया तो बहुत आगे निकल गया। बाकी लोग जो हैं वो भी चाहिए अब अयोध्या दर्शन करने के लिए। वहां पे हमने व्यवस्था कर दी, एक दिन में 5 लाख श्रद्धालु भी जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी। और साईं जी को ही हमने प्रभारी मंत्री बनाया है। ये बीच में तो ये वहीं पे रुक गए थे। अरे हमने कहा लखनऊ में आप मंत्री हैं, अयोध्या में नहीं। अयोध्या तो आप केवल व्यवस्था के लिए, मुख्य समारोह की व्यवस्था के लिए गए थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कितना परिवर्तन आया है। सलमणि जी अपने भाषण में उन्होंने कहा ही, आपके वोट की ताकत ने 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर दिया है। 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला का आगमन हो गया और फिर से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। जिनका सपना था कि अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो जाएं, उनका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। देवरिया के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज देवरिया की लगभग 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए का उपहार अपने देवरिया जनपद के बंधुगणों को उपलब्ध करवा दें। इसीलिए आज मुझे यहां पे 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के साथ आपके जनपद में आना पड़ा है। देवरिया ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार देवरिया आ रहा हूं और देवरिया आकर के यहां पर जब मैं आता हूं तो यहां के कार्यकर्ताओं के साथ यहां की आवश्यकताओं के अनुरूप, यहां की जन समस्याओं को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर के हम लोग संघर्ष करते थे, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। कोई सोचता था इस देवरिया जिले में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा और देवराह बाबा के नाम पर उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण डबल इंजन की सरकार ने यहां के जनप्रतिनिधियों के मांग पर स्थापित किया है। मैं देवराह बाबा को नमन करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, यहां की जो एक मांग है, और मैं भी बार बार कहता हूं, मेरी इच्छा भी थी कि लोकसभा चुनाव के पहले शिलान्यास करें, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित होने के नाते हम लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन देर सवेर करेंगे जरूर। सुगर कॉम्प्लेक्स जिसमें चीनी मिल भी होगी, डिस्टिलरी भी होगी, इथेनॉल का प्लांट भी होगा और को जनरेशन का, इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण की कार्रवाई भी यहां पर, कोजन प्लांट भी होगा, एक साथ एक कॉम्प्लेक्स यहां पर बने, इसके लिए भी हमने पैसा रखा हुआ है। जैसे ही मामला वहां से ठीक हुआ, तुरंत पैसा देवरिया आकर के निर्माण कार्य यहां प्रारंभ होगा।
पार कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी कुछ ही देर में होने जा रहा है। यह हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, कभी देश के अंदर चीनी के कटोरे के रूप में विख्यात देवरिया और कुशीनगर जिला समय के अनुरूप सरकारों की उपेक्षा के कारण पिछड़ते गए, नेतागिरी आदि होती गई, विकास से कोसों दूर होते गए। परिणाम क्या था? परिणाम था यहां गरीबी छाती गई, चीनी मिलें बंद होती गई। पिछली सरकारों ने औने पौने दाम पर इन चीनी मिलों को बेचने का काम किया। लेकिन बहन और भाइयों, हम कहने के लिए आए हैं, हमने पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिल चला दी है, अब देवरिया के अंदर चीनी मिल चलाने के साथ साथ एक कृषि विश्वविद्यालय हमने कुशीनगर में दे दिया है, उसका एक कॉलेज भी हम लोग देवरिया के लिए स्थापित करने जा रहे हैं। अब देवरिया पिछड़ा नहीं रहेगा, प्रकृति और परमात्मा की, ऋषि मुनियों की, संतों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की साधना से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से, उनके शौर्य और पराक्रम से जिस जिले ने देश के लिए अपना जीवन जिया हो, वह जनपद अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि वह जनपद अपने पौरुष और अपने पराक्रम से ये सारी चीजें लेकर के आएगा। और आपका यह पौरुष और पराक्रम अब आपके वोट में दिखता है, और मैं आभारी हूं, सचमुच इस बात के लिए आभारी हूं। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, देवरिया जनपद में सभी सीटें कमल निशान के लिए अर्पित की, सभी सीटें हमें चुना करके दे दी, सभी सीटें हमें दी। तो स्वाभाविक रूप से जब आपने 100% रिजल्ट दिया है, तो 100% अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 100% कार्य भी हमें करना है। परिणाम जब पूरा आएगा, तो परिणाम के लिए उसके लिए फिर हमें भी उतनी मेहनत से कार्य करना है। और बहनों भाइयों, कभी हम सोचते थे कि आवास बन पाएंगे? आप सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को 17,000 से अधिक आवास मिल पाते? मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1,389 लाभार्थियों को यह लाभ प्राप्त हुआ, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 24,000 आवास निर्मित हुए हैं। 24,000 आवास के लिए जो शहरी क्षेत्र में, देवरिया में, बरहज में, कटोरी में, इन कस्बों में जो आवास बने हैं, इन आवास के लिए भी मैं देवरिया के इन सभी गरीबों को जो आवासहीन थे, उनकी सिर को ढकने के लिए डबल इंजन सरकार ने जो सौगात दी है, इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन में अकेले देवरिया जिले में 2,44,000 परिवारों को एक एक शौचालय प्राप्त हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सचिवालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 575 पंचायत सचिवालयों के निर्माण का कार्य भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 1,95,000 उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन यहां प्राप्त हुए। तो साथ ही साथ 1,383 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य का लक्ष्य भी पूरा किया गया।